ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो आइए, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साई भक्त जुड़े होते हैं कि बाबा की कृपा उनके ऊपर होती है, और वो कब से जुड़े हैं और किसने टाइम से जुड़े हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनका नाम जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं और बाबा ने उनके साथ क्या अनुभव किए हैं उसके बारे में जानते हैं। ओम साई नाथ, मेरा नाम मिश्रेश शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ और मैं बाबा से पिछले 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा की इतनी दया है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं बाबा के ही वजह से हूँ। मेरा परिवार, मेरे बहन भाई सब बाबा को इतना मानते हैं कि हमारी हर इच्छा बाबा पूरी करते हैं। शिरडी हम हर साल जाते हैं, पीछे कोरोना की वजह से हमको शिरडी एक दो साल नहीं जा पाए, लेकिन अब इस साल फिर हमारा प्रोग्राम है शिरडी जाने का। हम शिरडी जाते रहते हैं और बाबा के दर्शन करते रहते हैं वहाँ पर। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बाबा के साथ। तो एक मेरा मित्र था जो बेड पे था, काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैं एक दिन जैसे बहुत पहले जब मंदिर में आया तो मुझे किसी ने बाबा का चित्र दिया। वो चित्र मैंने उसके तकिए के नीचे रख दिया और बाबा को कहा कि बाबा आप अगर कुछ हो तो इसको, मेरे दोस्त को ठीक कर दो। तो कुछ टाइम बाद जब दोबारा हॉस्पिटल में गया तो मेरा दोस्त ठीक हो चुका था, बाबा की कृपा उसके ऊपर और मेरे ऊपर हो चुकी थी। तब से हम दोनों लगातार हर वीरवार को यहाँ आना शुरू किया। तो ये सिलसिला काफ़ी समय से कई साल तक चलता रहा और बाबा की दया हमारे होती रही हमारे पे। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो इनके कहते हैं ना, साईं भक्त ऐसे होते हैं कि किसी का दुख नहीं देख सकते। किसी को अगर कोई किसी बुरी स्थिति में है या उनके हालात सही नहीं है या बीमार है, तो कोई साईं भक्त ये नहीं चाहेगा कि वो यही चाहेगा कि जो मेरे पड़ोसी हैं या मेरा फ्रेंड है या मेरे परिवार में जो भी है वो स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। वो ही इन्होंने किया कि इनके फ्रेंड बीमार थे, उन्होंने तकिए के नीचे बाबा की तस्वीर रखी, और जब वो तस्वीर और वो बाबा का स्वरूप रखा तो वो कुछ दिनों बाद ही बाबा ने उनको ठीक किया। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव है बाबा का, और मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा ऐसी कृपा इनके ऊपर बनाए, इनके परिवार के ऊपर बनाते रहें। तो ओम साई राम, जय साई राम।